अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि तमाम तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, आपको आज की तारीख में क्या लगता है कि जो इस पूरे मसले पर जमकर राजनीति हो रही है, तमाम शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग को निमंत्रण दिया गया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे तो हम लोग यहाँ बैठकर घंटी बजाएंगे? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, मनु के सिद्धांत को मानने वाले हैं और उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार हम लोग काम करते हैं। राम जी ने कभी भी जो है ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, राम जी हमेशा से ब्राह्मणों के सेवा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अगर राम जी का मंदिर बन रहा है तो जो राम के आदर्श हैं, जो राम की मर्यादा है, जो शास्त्रों में जिस संविधान के द्वारा राम जी ने राम राज्य को लाया, कम से कम उसका तो पालन करो। अरे राम जी को सेकुलर मत बनाओ, आप देश में सब सेकुलर करिए वो अलग बात है, लेकिन राम जी को सेकुलर बनाना ये अच्छी बात नहीं है। हम सारे शंकराचार्यों का समर्थन करते हैं क्योंकि वो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है जो व्यक्ति त्रैमणिक से अलग है और उसके बाद उनके पास उनकी धन पत्नी का उन्होंने त्याग किया है, किस प्रकार से वो राम जी की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? वो अधिकारी हैं राम जी की प्रतिष्ठा करने के। इसमें किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो सदगृहस्थ है, जो परंपरा का पालन करता है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर राम जी की प्रतिष्ठा होगी तो उसमें रामत्व आएगा, अन्यथा रामत्व नहीं आएगा। ये प्रोपोगेंडा फैलाना एक अलग बात है लेकिन धर्म की बात को यथावत लागू करना, क्योंकि राम जी का मंदिर है तो राम के आदर्शों का पालन होना चाहिए, हमारा कहना ये है। ये सरकार प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं तो देखिए, बड़ा बड़ा आयोजन करना ये सब ये प्रोपोगेंडा है। जो यहाँ का मेन सिद्धांत ये है, हमारा कहना ये, शास्त्र की बात जहाँ पर जो शास्त्र कह रहा है, राम जी का अगर मंदिर बन रहा है तो राम जी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार काम होना चाहिए बस। और आप दुनिया का काम करिए, उससे मतलब अयोध्या का विकास हुआ, आज अयोध्या सुंदर दिख रही है, सब अच्छा है, लेकिन अयोध्या को ये भी विचार करना चाहिए कि ये पर्यटन नगरी नहीं है, ये धार्मिक नगरी है, यहाँ लोग धर्म की कामना से आते हैं। आज यहाँ सारी सुख सुविधा अगर सबको मिल जाएगी, अगर यहाँ 5-स्टार होटल आप बन जाएगा तो उसके जो मानक हैं उसको देना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा, सब वही दुराचार होगा। व्यक्ति अयोध्या में आता है पुण्य कमाने के लिए और जो यहाँ सारी सुख सुविधा उसको मिल जाएगी तो वो फिर वही करेगा। इसलिए अयोध्या को अयोध्या रहने दिया जाए, इसको पर्यटन नगरी ना बनाया जाए, यही सब जो है सिद्धांत की बातें हैं। और अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, जो सनातन धर्म के मान बिंदु हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, और हम सारे शंकराचार्यों के विचार से बिल्कुल सहमत हैं क्योंकि उनके विचार में कहीं भी सत्य असत्य नहीं दिख रहा है शास्त्र। अच्छा, पंडित जी एक सवाल ये है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई नेता, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उन लोग नहीं आ रहे हैं उस दिन, और तमाम ऐसी पार्टियां जो खुलकर राम मंदिर का विरोध की, उनके नेताओं को भी खूब निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत हो रही है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में राम सबके हैं या फिर जो लोग इस मंदिर के विरोध में खड़े थे उनको निमंत्रण देकर आज की वो सरकार फिर से उसी रास्ते पर चल रही है? बिल्कुल देखिए, आपने जो कहा, जिसने राम मंदिर का विरोध किया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनको तो कदापि निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, ये हमारी बात है, क्योंकि राम भक्तों के ऊपर जिन्होंने प्रहार किया, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर प्रहार किया, उनके लाठी डंडा बरसाए, कहा परिंदा पर नहीं मार पाएंगे, उन लोगों को राम मंदिर में बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। वो आवे तो उनका स्वागत है, बाकी राम सबके हैं ठीक है, लेकिन उनको निमंत्रण देना तो नहीं चाहिए। बाकी रही बात कि भगवान राम के प्रतिष्ठा की, तो राम जी तो सबके हैं, राम को सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, तो सभी लोग दर्शन करें, सभी लोग पुण्य के भागी बने, लेकिन जो शास्त्र का दृष्टांत है, जो शास्त्र की मान्यता है, उसका पालन हो तो बहुत अच्छा होगा, राम जी की मूर्ति में रामत्व तो आएगा तभी। नहीं जो अयोध्या का विकास हो रहा है इससे आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, यहाँ के जो व्यक्तिगत निवासी हैं वो तो असंतुष्ट हैं, क्योंकि क्या कारण है? क्या कारण है कि उनका जो रोजगार था वो छिन गया एक प्रकार से। देखिए, अयोध्या भगवान रुद्रयामल तंत्र में जो है शिव जी कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्मा सरयू सगुणा अपमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम,
अयोध्या जो है वो परब्रह्म की पुरी है, या चक्रो परिराजते पुरी सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पे ये पूरा विराजित पुरी है, ऐसी अयोध्या पुरी जो है सगुण पुमान। और सरयू जी सगुण ब्रह्म है, तन निवासी जगन्नाथ, और यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं अयोध्या के मूल निवासी, वो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप हैं। तो सत्यम सत्यम मुदाम में हम दो बार कहा सत्य है सत्य है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, बाहरी लोगों को बुला करके उन्हीं को जो है सम्यक भर्ती कर देना। यहाँ के अभी देखिए पुजारी की भर्ती निकली थी, उसमें साफ साफ जो है उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई योग्य नहीं है।